हो गए एक तथाकथित शराब घोटाले में भी, एक चवन्नी तक नहीं मिली। और रिसेंटली हमें पता चला कि इनका इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का केस इतना वीक है कि अब ये एविडेंस के साथ भी टैम्परिंग करने लगे। तो हमने एक 5 फरवरी को हमारी मंत्री आतिशी जी ने अनाउंसमेंट किया कि वो 6 फरवरी की सुबह एक प्रेस वार्ता करेंगी जिसमें ईडी का एक एक्सपोजे करेंगी। डरी हुई ईडी 6 फरवरी को सुबह विभव कुमार जी, जो पीएस है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के, और हमारे राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर भी हैं एनडी गुप्ता जी, उनके घर पहुंच गई। एक घर में 16 घंटे और एक घर में 18 घंटे रेड चली। ना ये बताया गया कि किस जुर्म के तहत, कौन से केस के तहत, कौन सी एफआईआर के तहत ये रेड हो रही है, ना कोई पूछताछ की गई, ना कुछ खंगाला गया। हाँ, 2 ईमेल के डंप्स लिए गए और साथ में 3 मोबाइल ले गए। ये क्या चल रहा है देश में? ये गुंडागर्दी है? आप बताएंगे भी नहीं कौन सा केस चल रहा है, कौन से किस केस के तहत ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? क्या ईडी अब बिना वजह किसी के भी घर में घुसकर ऐसे रेड करेगी? ये सिर्फ परसेप्शन मैनेज करने को किया गया ताकि कल सारा दिन मीडिया में चलता रहे कि 16 घंटे रेड चली, 18 घंटे रेड चली। आज तो कोई मीडिया नहीं दिखा रहा कि कुछ नहीं मिला, फिर से चवन्नी नहीं मिली। सारा परसेप्शन का गेम चला रही है भाजपा। एंड लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, व्हेन पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन एंड नॉट पॉलिसी, एवरीवन लूजेस। देश संविधान से चलेगा, भाजपा की गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। ये देश भारत किसी की बपौती नहीं है। भारत में 140 करोड़ भारतीय अब भाजपा की गुंडागर्दी से उब चुके हैं और जनता उनको जवाब देगी।